नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड जीके इन हिंदी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर DDT के बारे में अति महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानेंगे, जैसे कि DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, DDT क्या है, क्या आज भी DDT का उपयोग किया जाता है, DDT की खोज किसने की थी और DDT के उपयोग पर कब प्रतिबंध लगाया गया था। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो देखते हैं पहला सवाल, DDT का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अब हम जानते हैं कि DDT क्या है। तो दोस्तों, DDT एक सिंथेटिक कीटनाशक है जिसका व्यापक रूप से 20वीं शताब्दी के माध्यम में कीट आबादी को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता था, विशेष रूप से मच्छर जो मलेरिया और टाइफस जैसी बीमारियों को फैलाता है। अगला सवाल है, क्या आज भी DDT का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वेक्टर नियंत्रण के लिए कुछ देशों में DDT का उपयोग अभी भी सीमित क्षमता में किया जाता है, लेकिन मानव स्वास्थ्य और वन्य जीवन पर संभावित नकारात्मक प्रभावों के कारण कई देशों में इसे प्रतिबंधित किया गया है। अगला सवाल है, DDT की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, DDT की खोज 1939 में स्विस रसायनज्ञ पॉल हरमन मुलर द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, DDT के उपयोग पर कब प्रतिबंध लगाया गया। तो इसका उत्तर है, अमेरिका समेत कई देशों में 1986 में DDT को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको DDT के बारे में यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।